हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को डैश का सिट्रस फ्रूट जूसर का रिव्यू दूंगी। मैंने ये थोड़े टाइम पहले ही लिया था, मैं बहुत इससे खुश हूँ। छोटा सा है, बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली है, कहीं भी घुस जाता है। लेमन, लाइम, ग्रेपफ्रूट, ऑरेंज जूस आप इजीली फ्रेश घर में एवरी डे मॉर्निंग इवनिंग निकाल सकते हैं। हर जगह छोटा सा साइज़ है, हर जगह घुस भी जाता है। 32 ounce जितना हम इसमें एक साथ जूस निकाल सकते हैं। इसके अंदर जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो ये है कि इसका जो ये नॉब है, इसमें हम जूस, अगर हमको पल्प नहीं चाहिए तो हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। छोटा ज़्यादा पल्प चाहिए तो ज़्यादा ऑन कर सकते हैं। यू नो, आगे पीछे हम इसकी जाली घुमा सकते हैं। बड़ा है ये साइज़ जो ऊपर का, वो ग्रेपफ्रूट और ऑरेंजेस के लिए है, और जो नीचे है जो ये छोटा वाला, उसके लिए हम लेमन और छोटा लाइम जो हमको यूज़ करना हो, जूस निकालना हो, तब हम इसको ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको उसको डेमो देती हूँ। ये जो हमको पल्प कम ज़्यादा चाहिए, मैंने हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पल्प पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने बिल्कुल नीचे रखा हुआ है। लेकिन अगर आपको पल्प चाहिए तो आप इसकी जाली देखिए, पीछे जा रही है तो ये आगे आ गई। जब आगे आ जाएगी तो पल्प बिल्कुल भी नीचे नहीं आएगा, बिल्कुल सिर्फ जूस निकलेगा। आपको छन्नी भी यूज़ नहीं करनी पड़ती है, इतना ज़्यादा। देखिए कितनी थोड़ी सी देर में हम सुबह 5 से 10 मिनट एक तरफ हमारी चाय बन रही हो और बच्चों के लिए हम फ्रेश ऑरेंज जूस निकाल लेते हैं। घर में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है, फटाफट हो भी जाता है। तो इसका ये भी है कि ये मशीन बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, सिर्फ $20 में है। अमेज़ॉन पे हर जगह आपको मिल जाता है, वरना नॉर्मली जो जूसर होते हैं वो बड़ी साइज़ के होते हैं, उसको संभालना फिर उसको धोना सबसे बड़ा मुश्किल है। इसको इतनी धोना भी नहीं पड़ता, अंदर सिर्फ एक ही जाली है जो आराम से ईजीली वॉश हो जाती है। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको फ्रेश लेमन जूस निकाल के बताऊंगी। इसमें बीजे आपको बहुत दिखती है, एक्चुअली मैं हमारे झाड़ के हैं इसलिए इसमें बीजे बहुत ज़्यादा है, शायद ऑर्गेनिक इसलिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसका जूस कैसे निकलता है। ये देखिए फ्रेश हमारा लेमन जूस भी तैयार हो गया है। ये 5 lemon का मैंने निकाला था, तो ये मुझे आराम से 10-15 दिन चलेगा और फिर वापस मैं दूसरा निकाल लूँगी। ये देखिए अच्छे से हमारी बॉटल फिल हो गई। अब हम फ्रेश लाइम जूस निकालेंगे।
अब हम बनाएंगे हमारा फ्रेश ग्रेप फ्रूट जूस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए कितनी फटाफट हमारे फ्रेश जूसेस तैयार हो गए, जो हमको हमारी रेगुलर लाइफ में इतने काम आते हैं। हम बॉटल्स बाहर से ले लेते हैं या बाहर से लेमन लाइम जूस खरीद लेते हैं, ये घर में निकाल के रख दे, 10-15 दिन आराम से निकल जाए और फिर वापस दोबारा बना लें। मशीन तो अपना ही है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा मशीन है ये। इसमें देखिए ये सारे आउंस में लिखा हुआ है, साथ में मिलीलीटर में भी लिखा हुआ है। ये इसका कप में डालने का इजी डिप ना ट्रिप ना हो। इसका ये साथ में दो है लेमन और लाइम के लिए, छोटे फ्रूट्स के लिए, और ये अगर ग्रेप फ्रूट या बड़ा ऑरेंज है तो उसके लिए। और ये अंदर देखिए ये नेट है, इसके अंदर हमें ऑप्शंस हैं। ये देखिए अगर हम इसको बंद करते जाएंगे तो देखिए बंद होता जाएगा, तो अंदर पल्प नहीं जाएगा, पल्प ऊपर ही रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको पल्प मिले थोड़ा कम करते जाएं, ये देखिए ये बहुत ज़्यादा आपको पल्प मिलेगा। और अगर ना चाहें तो ये पूरा देखिए यहाँ पर इसका नॉब है, बंद करते जाएँ। बहुत ही ईजी, पॉकेट फ्रेंडली, फौरन ही फौरन फ्रेश जूस निकल जाते हैं। फिर ना चाहिए इसका ये कैप पूरा अच्छे से बंद हो जाता है, अच्छे से दो ग्लास निकल जाते हैं फ्रेश। देखिए ऑरेंज जूस फ्रेश निकल गए, लेमन ख़राब हो रहे हैं और फौरन जूस निकालने हैं, लाइम और लेमन फौरन इसी टाइम पे जूस निकाल के पीस कर सकते हैं। लाइक दिस इज़ परफेक्ट, हैंडी डैंडी, साइज इतनी छोटी सी है, हर जगह फिट आ जाता है, पॉकेट फ्रेंडली है, व्हाट एल्स राइट। सो कहीं से भी इजीली अवेलेबल आपको मिल सकता है, अमेजोन पे भी मिलता है और बैट बार में अगर आप जाओगे तो आपको 20% ऑफ कूपन आ जाएगा। इट्स लाइक इकोनॉमिकली इज़ वेरी वेरी नाइस। अगर आपको लेना है और कंसिडर कर रहे हो जूस के लिए, तो राधर दैन इतना बड़ा जूसर मशीन मुझे ही अच्छा लगा। सो ट्राई कीजिएगा, होप आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। बाय।